नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरठ यानी उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर जो है वो सामने आ रही है। देखिए, आज के युग में एक दलित परिवार ने भी अपनी बिटिया की शादी के लिए एक फार्म हाउस को जो है वो बुक किया और फार्म हाउस जो है बुक हो चुका है। उसकी जो पेमेंट थी वो भी दे दी गई है, जो बयाना होता है वो भी दे दिया गया है। उसके बाद जो फार्म हाउस के मालिक है और जो उसके मैनेजर है, उनको पता लगता है कि ये वाल्मीकि जाति के लोग हैं और उन्होंने गलती से जो है ये फार्म हाउस जो है वो उनको बुक करके दे दिया। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये तो हमने जो है अछूत जाति को यानी नीच जाति को जो है ये मालिक और मैनेजर की जो है वो सोच है, ये हमारी सोच नहीं है। क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी सोच जो है वो घृणित है और दंडनीय है। उन्होंने साफ साफ फोन पर कहा कि हमें पता नहीं था कि वाल्मीकि है और वाल्मीकि जाति को वो फार्म हाउस नहीं देते शादी के लिए। हेलो जी भैया, भाई से जाति बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे थे बताओ। भैया मैं कह रहा हूँ, आपने बताया कि हम हीरालाल के भाई हैं। भैया नहीं कहा, मैंने कहा भैया पड़ोसी हूँ। अगर तुम भैया बात सुनो, अगर तुम जहाँ से देख के मंडप देते हो तो अच्छी बात नहीं है। क्यों? देखो हमारी शादी सब खुली पड़ी है। भैया मेरी बात सुनो, नहीं नहीं बाल्मीकि को प्रोग्राम नहीं लेते भैया। हम क्या कोई भी मंडप वाले लेता है भैया? खूब ले रहे हैं, हमने कई नहीं नहीं भैया नहीं, आपने अपने जो 10,000 रुपए ले आना भाई साहब, ठीक है नहीं भैया? 4 दिन बाद मैं किसका मंडप कर नहीं भैया, नहीं होने का ना तुम्हारा प्रोग्राम भैया, ठीक है? ये तो बात ठीक नहीं है भाई साहब। भैया नहीं होने का ना, जब मैंने तुमसे कह दिया, ठीक है नहीं? आप हमें मेरी परेशानी बताओ, मुझे क्या है कि भैया हम वाल्मीकि का प्रोग्राम नहीं लेते हैं। मुझे बता दो वजह तो बता दो। वजह क्या पर लेते ना, कोई मंडप लेता लेता भैया। सुन तो लो, ये कह दो भाई, ये दिक्कत हो सकती है भैया। नहीं दिक्कत नहीं भैया, हम नहीं करने के भाई, तो सॉरी इसके लिए। मेरी शादी के मुझे तो बता दो भैया, हम नहीं लेने के भाई साहब, हम करने के नहीं है प्रोग्राम। किसी की बहन बेटी की शादी है देख लो भैया। मेरी बात नहीं, हम नहीं लेने का भाई, तो ठीक है नहीं? आप पैसे ले आना आपने, ठीक है नहीं? हाल ही में अभी 9 अप्रैल की शादी है और आज 6 अप्रैल हो चुकी है, यानी मात्र 3 दिन या 2 दिन बीच में है। अब उन्होंने उस शादी के मंडप को मना कर दिया। अब जो पीड़ित परिवार है उन्होंने इस शिकायत को थाने में दिया और एसपी साहब को जो है वो उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। आप सुनकर हैरान होंगे, उसके मालिक जो है वो मुस्लिम है और जो मैनेजर है वो भी मुस्लिम है। और ये मैं मुस्लिम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उनके जो बड़े नेता हैं, जो उनके काजी हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उनको ये बात पता लगनी चाहिए कि किस तरह का भेदभाव जो है मुस्लिम समाज भी करता है। तो कहना हमारा सिर्फ ये है कि खाली मनुवादियों में ये भेदभाव या हीन भावना नहीं है, मुस्लिम समाज उनके अंदर भी ये हीन भावना है। और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही क्यों जातिवाद होता है, क्यों ऐसी जो मानसिक जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। योगी सरकार जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही, वो जो उत्तर प्रदेश की जनता जाने। लेकिन कहा यह जाता है कि योगी सरकार में सब बराबर है और उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि एक बेटी की शादी थी और वो भी दलित समाज यानी वाल्मीकि जाति की बेटी की शादी थी, उसमें इस मुस्लिम मालिक ने यानी गोल्डन फार्म हाउस के जो मालिक है उन्होंने उसकी शादी को वाल्मीकि जाति का पता होते ही उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध है और इस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए, क्या इस पर एक्शन होना चाहिए या योगी सरकार को एक्शन लेना है और जो वहाँ का प्रशासन है उसको ये एक्शन लेना है, यानी डीएम साहब इसमें क्या करते हैं और जिसमें पुलिस प्रशासन है वो इसमें क्या करते हैं, जो वहाँ की जनता है वो इस पर क्या करती है, क्या अपनी टिप्पणी रखती है और क्या इसमें प्रशासन इसको सजा देता है। क्योंकि बुलडोजर काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है उत्तर प्रदेश में और जो ये भावना है, जो इस फार्म हाउस के मालिक की जो भावना है, देखिए मुस्लिम हमारा कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करा जाए, लेकिन बात यह है क्योंकि जो वाल्मीकि जाति है उन्हें तो हिंदू भी अपना नहीं समझती, तो मुसलमान भी जो है वो अपना नहीं समझते।
हमारा सिर्फ ये कहना है कि जातिवादी अगर कोई करता है, कोई जो भेदभाव जो करता है आज के युग में, तो वो एक हीन मानसिकता का व्यक्ति है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे दंड मिलना चाहिए। और उसके फार्म हाउस पर देखते हैं बुलडोजर बाबा आप कितने दिन में बुलडोजर चलाते हैं। एससी एसटी कमीशन यानी भारतीय एससी एसटी कमीशन को भी हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि इस पर तुरंत एक्शन ले और जो मालिक है फार्म हाउस के उसको तुरंत उसके फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया जाए और ऐसी हीन मानसिकता को लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाए कि आगे से कोई भी ऐसी वाहियात हरकत जो है वो ना कर पाए। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, धन्यवाद।